यूपी के महाराजगंज में कोठीबार थाना क्षेत्र के भुचौली गांव की रंभा देवी ने जिले के कप्तान को तहरीर देकर बताया कि 23 जनवरी दिन सोमवार शाम 3 बजे सिसवा नगर में स्थित सुगंधा गुप्ता मिडवाइफ के घर पर मुझे भर्ती कराया गया। शाम 7 बजे बच्चा पैदा हुआ। मैं बेहोश थी। दाई ने हमारे पास के लोगों को बाहर बैठा रखा था। बताया कि बेटा हुआ। उसके बाद सुगंधा गुप्ता बच्चे को कहीं लेकर गई। लोगों से कहा घर जाओ, बच्चा मर गया। फिर लोग घर आए। पता लगने पर सुगंधा गुप्ता ने कहा तुम्हारा बच्चा लखनऊ गया है। फिर उन लोग भुचौली आ गए। वार्ड सभासद विभा सिंह विवेक सिंह वे गांव के लोगों ने बताया सुगंधा गुप्ता बुलवाई गई, बच्चा वापस बुलाया गया। सुनने में आ रहा है 10 लाख में सौदा कर मुझसे नहीं मेरे पति से जबरदस्ती कागज पर साइन अंगूठा लगाया। इसके साथ ही निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं सीओ निचलौल सूर्यबली मौर्य ने बताया महिला की तहरीर पर कोठीबार थाने में सुगंधा देवी मिडवाइफ उनके दाई के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ। रंभा लड़का पैदा हुआ था, ओकरे बाद बेहोश वाला सुई लग गए, बेहोश हो गई नहीं, ओकर बाद मालूम नहीं चलल तो उठनी तो सुता देली, फिर से लड़का पूछले नहीं बड़ी अंदर ले चल गई बड़ी छोड़ के हाथे में से दाई सुगंधा घर में पर रहली, हॉस्पिटल नहीं है। वहां से तब बिहान भैले पता चलल जो हनी जान तू लड़का नहीं लैली, लड़की ला लाली कतरी लखनऊ भेज देनी। सुगंधा जैसे कली लड़का होगा लखनऊ भेज देनी दवाई के लिए। नहीं नहीं मिला केहू रहे नहीं गरीब बानी जान कप्तान साहब से मतलब थाने जाए के थाने में नहीं गए नहीं भजौली। रंभा देवी पत्नी गुड्डू मदेसिया निवासी ग्राम भुजौली वार्ड नंबर 8 सिसवा बाजार थाना कोठीबार द्वारा एक सूचना दी गई कि सुगंधा गुप्ता जो मिडवाइफ पर काम करती है निवासी सिसवा बाजार की है के द्वारा उनके नवजात बच्चे को ले लिया गया है। इस सूचना पर थाना कोठीबार में तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर टीम गठित की गई है। बच्चे की सकुशल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है और सकुशल बरामदगी की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।